ला अपना फोन दे। क्या हुआ बाबा? आपका फोन खराब है। कोई बात नहीं, लाओ मैं ठीक कर देता हूं। बंटी से बात करनी है, उसे फोन लगा। पता नहीं इस बंटी ने अभी तक मामला संभाला भी या नहीं। कमाल की बात है पापा। पता है, कुछ दिन पहले ना बंटी भी आपकी बात कर रहा था, बोल रहा बोला। उसे फोन लगा। एक बार बता दिए कि तुम्हारे इंश्योरेंस वाला काम निपटा लेंगे तो फिर जब बार-बार क्यों कॉल करे आ रही हो? हैं? कसम से बोल रहे हो, अगर अगली बार कॉल किया ना तो ब्लॉक कर देंगे। अब फोन रखो। बंटी मैं बोल रहा हूँ, श्रवण के। अच्छा बेटा, अब अंकल जी की आवाज निकाल के हमको बेवकूफ बना रही हो। कसम से बता रही है, कान के नीचे से कस कर रख। बंटी मैं देवराज मल्होत्रा बोल रहा हूँ। अच्छा अंकल जी आप बात कर रही है, सॉरी हमें लगा कि खैर। वैसे क्या काम था अंकल जी? मैं किसी और का नंबर लगा रहा था, शायद गलती से तुम्हारा नंबर लग गया। ये तुम्हारा नंबर ही है ना? हाँ जी, ये मेरा ही नंबर है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, अच्छा वैसे आपकी तबीयत कैसी? सब हालचाल ठीक है? मैं ठीक हूँ, अभी रखता हूँ। क्या हुआ पापा, कुछ और बात करनी है आपको? आप नहीं, मुझे बंटी का नंबर नोट करना। बाल बाल बचे। पिटोगे किसी दिन? बहुत खतरनाक गेम खेल रहे हो तुम। खतरा टल गया हो तो फोन दे दो हमारा। अबे हाँ अंकल जी। अबे अंकल जी नहीं, मैं श्रवण बोल रहा हूँ। हाँ श्रवण मिया, आज ना हम बस। आज नहीं, कभी भी। आज के बाद ना पापा कभी भी तुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। तुरा एक काम कर, ये नंबर अपने पास रख ले, आज से ये तेरा परमानेंट नंबर है। ठीक है? अच्छा ठीक है, डरने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि डमरू जी तो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए है ना। दे देंगे अपना फोन है ना। लो बात करो। ये लो, खुद ही बता दियो। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं दे रहे, गांव में सबके पास यही नंबर है हमारा, हम फोन नहीं दे रहे। अरे यार डमरू समझना यार बात को, मैं तेरे फोन में नई सिम डलवा दूं। ठीक है? नहीं 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 प्लीज डमरू भैया। ओके मिल गया मिया, गुड। क्योंकि अगर यार गलती से पापा को घर वाली बात पता चली ना तो यार मेरा कोर्ट मार्शल पक्का है। चल रखता हूँ यार मंडी। बस मुझे ना बस एक ही डर लग रहा है कि अगर पापा को पता चल गया कि तिवारी हाउस मैंने खरीदा है तो इन दोनों फैमिलीज का जोड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा यार। और मैं सुमन को अब किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। हाँ मिया ठीक है, रखते हैं। चाचू थैंक यू बेटा। चाचू एंगेजमेंट वाले दिन जो तब से चाची बहुत नाराज है मुझसे, क्या आप भी? नहीं मतलब उसके बाद से आपने ठीक से बात नहीं की ना, इसीलिए। बेटा एक बात कहूँ जो मैंने तुझसे कभी नहीं कही, कहीं ना कहीं अंदर मैं जानता हूँ कि ये सगाई तूने श्रवण की वजह से। तब मैं किसी से नाराज नहीं हूं, मैं तो अपने ही हालातों से नाराज हूं। मैं कभी बीना को खुश कर पाया और ना ही शायद अपनी बेटी को। तेरे लिए भी तो कुछ नहीं कर पाया और हमसे गलती हुई, हमें तेरी मर्जी समझनी चाहिए थी। चाचू अब जो मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ ना, शायद उसे सुन के ही आप नाराज हो जाएंगे, पर क्या आपको लगता है कि ऐसा कभी हो सकता है कि श्रवण और मैं, आई मीन इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या हम अब भी एक हो सकते हैं? घर पे हम दोनों के घरों में क्या हमें कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा?
सुमन बेटा उनके घर का तो मुझे कुछ नहीं पता, पर हमारे घर में बहुत मुश्किल है। तुम जैसे मत देख, वक्त सब जख्म भर देता है। सब अपना अपना टाइम लेते हैं। सुमन बेटा, मैं तो फिर भी मान जाऊं, पर तेरी चाची, उसने तेरी सगाई टूटने को अपने दिल पे लिया, वो कभी नहीं मानेगी। अब इस परिवार और श्रवण के बीच में तुझे चुनना है। जानता हूं तू बहुत समझदार है, जो भी फैसला लेगी उसमें अड़ी रहेगी। मैं तो बस तेरी खुशी चाहता हूं। हेलो, कैसे हैं आप जी? पता भी है हमें आपकी कितनी याद आती है। दो दिनों से बात नहीं हुई है ना, तो ना हमने ठीक से कुछ खाया है और ना सोए हैं जी। हेलो, अबे कौन बात कर रही है बे? अच्छा, अब हम आपको याद भी नहीं आते जी? हम झुमरी, डमरू की झुमरी। ओ तेरी, इस घर के दरवाजे थोड़े क्या खटखटा दिए? पता नहीं कितने कितने और कौन कौन से राजबार निकल के आ रही है बे। हेलो झुमरी जी, आपने चोरी छुपे डमरू जी से शादी भी कर ली क्या? कौन बोल रहा है जी? अरे हमारा आवाज नहीं पहचाने क्या? हम बंटी मियाँ बोलिए। श्रवण मियाँ के पक्के वाले यार। कुछ बहुत अजीब हो रहा है बंटी जी। क्योंकि फोन तो हम डमरू जी को लगाए थे, आपका तो नंबर भी नहीं है हमारे पास। अरे जन नंबर है ना आपके पास, वही हमारा नंबर है। बहुत लंबी वाली कहानी, हम किसी दिन और आपको समझेंगे, पर पहले आप हमको बताओ कि ये जो आपकी छोटी सी लव स्टोरी है उसके बारे में और किस किस को पता है? यहाँ पहले अपनी दीदी थी, उन्हें पता था, अब वो गई। अब श्रवण भैया और सुमन दीदी को पता है। आपसे विनती है कि आप किसी को कुछ मत बताइएगा जी। ऐसा है झुमरी जी, इस पूरे भोपाल में ना आधे से ज्यादा लोगों का राज ना बंटी मियां के सीने में दफन है। थैंकू जी, पर अब हम डमरू जी से कैसे बात करेंगे जी? अरे आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम कंचन जी को अभी कॉल करते हैं और तुरंत आपकी बात डमरू जी से करवाते हैं। ठीक है, अभी हम रखते हैं। इन दोनों फैमिलीज के बीच में ना प्यार का मामला बड़ा झोल वाला लग रही है। हमारे मियाँ और सुमन का तो छोड़ो, यह तो बेचारे डमरू और झुमरी भी अपना प्यार बचाए बचाए घूम रही है। देखिए चाची, मैं ना अच्छे से जानता हूँ कि आप चाचू की वजह। चाची आप एक बात बताइए मुझे, मैं आपका कुछ नहीं लगता क्या? इतने सालों से तो हम लोग भी नहीं मिले, आप मेरे लिए नहीं आ सकते क्या चाची? प्लीज श्रवण बेटा, मैं चाची आपको शायद पता नहीं है, पर मैं अपनी कमान जून करने वापस जा रहा हूँ। उसके बाद पता नहीं हम लोग फिर कब मिलेंगे, और हो सकता है कि फिर मिले भी या हम ना। अरे श्रवण तुम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चाची मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि मेरे और कुछ भी बोलने से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने जिंदगी में कभी मुझे अपना बेटा माना है ना, तो आप मुझसे मिलने जरूर आओगे। नहीं नहीं चाची, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। अच्छा तो चाची को ब्लैकमेल किया जा रहा है? हुँ? नहीं, उस पर सिर्फ मेरे पेरेंट्स का कॉपीराइट है, बल्कि आज तो मैंने आपके वाला फंडा ट्राई किया। और आप देखना मामा, चाची वापस जरूर आएंगी। अच्छा तो ये फंडा ना तुम मेरे ऊपर मत चिपका। वैसे तुझे अचानक हो क्या गया है? अचानक नहीं मामा, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हम सब पहले कैसे अलग अलग हो गए थे, और अब जब सब कुछ ठीक हो रहे हैं, सारे हालात फिर से सुधर रहे हैं, तो इस फैमिली को फिर से जोड़ते हैं ना, सबको एक करते हैं। और ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है मामा, कि चाचू को भी बताएंगे नहीं, पर वो चाचू को बहुत मिस करते हैं। अगर वो दोनों साथ में बैठ के बात करेंगे ना, तो सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। और अवनी, अवनी भी तो खुश होगी ना इससे। और हम एक फैमिली है मम्मा, हमें कोशिश करनी चाहिए उन्हें फिर से मिलाने की। और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना हर इंसान को एक दूसरा चांस जरूर मिलना चाहिए। क्या बात है श्रवण, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा पुत्र इतना समझदार हो गया है, अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। मैं सही थी, अब तू हो गया है व्यादे वास्ते एकदम तैयार। हाँ, तेरे पापा ने जो फोटो भेजी थी वो तो तूने सारी की सारी रिजेक्ट कर दी, पर कोई गल, अब मैं आ गई हूँ ना। बता मुझे, बता तू कैसी कुड़ी चाहिए तुझे, या तूने अपने लिए कोई कुड़ी ढूंढ ली है तो वो भी बता सकता है तू। पर बताने का क्या फायदा है,
आपका तो फिर से वही शुरू हो जाना है ना कि मैंने तो एक पंजाबन कुड़ी ही चाहिए नहीं अरे तब तो तू बहुत छोटा था लेकिन अब तो मुझे मेरे पुत्र की खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए और कितना अच्छा हो जाएगा ना तेरा ब्याह हो जाएगा तो बता ना कोई कुड़ी है नजर में तेरे हाँ मामा मैं ना हमेशा ये सोचता हूँ कि उस वक्त जब मैं और सुमन उस घर से नहीं, मेरा मतलब कि अगर उस वक्त हमारी शादी हो जाती तो क्या होता मामा वो बात बीत गई है श्रवण तो तू आज ये पुरानी बातें क्यों सोच रहा है और मुझे नहीं पता कि तब क्या होता लेकिन मैं तुझे आज का बता सकती हूँ मेरा बेटा जो एक सांस में अपने परिवार को जोड़ने की बात करता है और दूसरी सांस में अपने घर को तोड़ने की सही कह रही हूँ ना सुमन को मनोत्रा परिवार कभी भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और ये तू अच्छी तरह से जानता है उस कुड़ी को इस घर में कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो पुत्र जिस गली जाना ही नहीं है उस गली का रास्ता पूछकर तू अपना ते मेरा टाइम वेस्ट ना कर नहीं नहीं मामा मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था देख श्रवण तो चिंता क्यों करता है मैं हूं ना मैं तेरे लिए बहुत अच्छी सी कुड़ी ढूंढूंगी हाँ चिंता नहीं कर तू डमरू भैया किचन से क्यों कॉल कर रहे हैं हाँ जी डमरू भैया बोलिए अरे डमरू भैया नहीं हम बंटी भैया बात कर रही है एक तुझे नए नंबर का ना एक नया कंफ्यूजन ही शुरू हो गया है क्या बताएं आपको कंचा जी बंटी जी आपने मुझे इस फोन के कंफ्यूजन के बारे में बताने के लिए कॉल किया नहीं 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 हम कंफ्यूजन का आपको क्यों बताएंगे आपको तो पहले से क्लियर हो गया है ना हम तो आपको इसीलिए कॉल किए कि कृपया करके ना डमरू जी को जो बता दे कि झुमरी जी को अर्जेंटली कॉल कर लिए झुमरी से हाँ क्यों क्या हुआ झुमरी को डमरू भैया से क्या काम है कंचन जी आप ऐसे ही हर मियां बीवी के बाद में क्यों पंचायती करते हैं होगा कोई काम आपस में निपटा लेंगे मियां बीवी व्हाट झुमरी और डमरू भैया मियां बीवी कब से किसी को पता क्यों नहीं है बंटी अभी तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि और कितने राज हैं तो इन दोनों घरों में छुपे हुए हैं अच्छा वैसे हम सोच रहे थे कि हमारे मियां और सुमन के बिया में हम तोहफा क्या दे तो आप कौन सा गिफ्ट देने वाले हो पता नहीं मैंने कुछ सोचा नहीं अभी तक तो चलो एक काम करते हैं दोनों एक साथ सोचते उल्टा हम तो कहते हैं कि अलग अलग छोड़ो एक जगह पर सोचते और मिलकर सुमन और हमारे मियां को एक बढ़िया सा गिफ्ट देते हैं तुम और मैं हाँ मिलकर हाँ हाँ श्रवण और सुमन को गिफ्ट हाँ 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 ये भगवान मियां अजीब है फोन ही पटक दिया एकदम अपनी बहन की तरह नकचीड़ी खबर पहुंची अपना पट्टा कैप्टन सचिन अब मेजर सचिन सर हो गए अच्छा तो फिर अब तो पार्टी सर बड़ी वाली पार्टी जिसमें मजा भी आएगा वो अपना यार कैप्टन श्रवण देगा अबे हाँ दे दूंगा अरे पूरी बात तो सुनिए मेजर श्रवण हैं अरे ये बात पक्की नहीं है उड़ती उड़ती खबर आई है मेरे कानों में कि अगला जिसका नंबर है वो बसे हैं बसी की दिल और जान में बसी यार आई लव यू पर सिर्फ उड़ती हुई खबर है ये बात तो पक्की होने दे चल बे नौटंकी तुझे भी पता है ऑलमोस्ट पक्की बात है ये अगला नंबर तेरा ही है प्रमोशन में देखते हैं अभी तो हाँ सुमन ठीक है मैं अभी आता हूँ बाय चलो गाइस चला मैं निकलता हूँ चल यारा बाय ओके सर बाय ठीक है हाँ ठीक है सुमन मेजर मल्होत्रा खबर तो मिली गई होगी तुम और बसी भी ना अभी तक तो सिर्फ ये खबर है ठीक है सिर्फ खबर है पर भरोसा तुम पे एकदम पक्का है मेरा श्रवण इतनी मेहनत की है तुमने देखना अब रोज मैं मेजर मल्होत्रा को सल्यूट करूंगी स्टॉप मुझे तो सिर्फ तुम्हारा विश्वास चाहिए मुझ पे हम पे
हमारे इस रिश्ते पे, और वो भी हमेशा के लिए। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं चाहिए। चाचा से बात की तुमने? प्रॉब्लम चाचा नहीं है श्रवण, चाची है। छोटा सा ही तो परिवार रह गया हमारा, तो आगे का रास्ता मुश्किल होने वाला है। तुम बताओ। मैंने भी किसी तरह मम्मा से बात करने की कोशिश तो की, पर मम्मा ने सीधे सीधे ना कह दिया। तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर पा रहा। नहीं श्रवण, मैं आज भी तुम्हारा ऐसे झुका हुआ सर नहीं देख सकती, अपने सामने भी नहीं। तो फिर क्या करें? आप अपनी शादी थोड़ी पोस्टपोन कर लें। नहीं, शादी तो फिक्स डेट पे ही होगी। ठीक है, तो हम शादी कर लेते हैं, पर घर पे जब तक सब इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो जाते, किसी को बताएंगे नहीं। मतलब इस बार पीछे हटना नहीं और खुद हम दोनों को रुकना नहीं। तो यह अगला कदम साथ में लेने के लिए तैयार हो? डन डील मेजर। अभी तो सिर्फ कैप्टन, पर तुम्हारे साथ ये कदम बढ़ाने के लिए मैं पिछले 7 साल से तैयार हूँ। तो डील डन For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.